प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और प्रेस करें बेल आइकन न्यू वीडियो पाने के लिए। हेलो गाइस, हम लोग कलर के बारे में आगे देखते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखिए फाउंटेन के बारे में। फाउंटेन जस्ट लाइक ग्रेडियंट, अगर आपने फोटोशॉप वगैरह किया होगा तो ग्रेडियंट आपको याद होगा। मल्टी कलर के लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज करते हैं, तो सेम यहाँ नाम चेंज करके फाउंटेन दिया गया है। तो क्लिक करें यहाँ फाउंटेन में। तो फाउंटेन में यहाँ से हम लोगों ने सीखा नन, यहाँ से सिंगल कलर अप्लाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म से, और फाउंटेन से हम लोग मल्टी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि आपके सामने दो ग्रेडियंट ऑलरेडी होते हैं, ये ग्रेडियंट के बटन कहलाते हैं। तो अगर आप दो कलर चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ नीचे से कलर को चेंज करते हैं। जैसे मुझे ब्लू चाहिए और व्हाइट के जगह पर रेड चाहिए, तो क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ व्हाइट शो, जो यहाँ रहेगा कलर उसको क्लिक करने पर यहाँ वही कलर शो करेगा। जैसे ब्लू पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ ब्लू शो कर रहा है। व्हाइट पर क्लिक करने पर यहाँ व्हाइट शो कर रहा है। तो क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपको दो से अधिक कलर चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो एक और देखिए ग्रेडियंट का बटन आ गया। अगर और चाहिए तो यहाँ डबल क्लिक कीजिए, और चाहिए डबल क्लिक कीजिए। तो ग्रेडियंट का बटन इस तरह से आप जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। और चेंज करने की बात है तो जैसे इस ग्रेडियंट का कलर मुझे चेंज करना है तो क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ शो करेगा। उसके बाद आप इस बटन से क्लिक करके और यहाँ से कलर को चुन सकते हैं। मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्लिक करेंगे तो अभी देखिए चेंज नहीं हुआ, ग्रीन का ग्रीन दिखा रहा है, तो नहीं हुआ क्लिक। हाँ अभी देखिए सेम हो गया। फिर क्लिक करके मैं ब्लू चाहता हूँ, देखिए ब्लू हो गया, या येल्लो चाहता हूँ। फिर मुझे ये कलर चेंज करना है तो क्लिक करते हैं यहाँ, यहाँ से फिर अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कलर को आप ट्रांसपेरेंट यानी कि करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैं इसे करना चाहता हूँ, क्लिक करके आप इस जगह से उसे ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पिक्सलेट हो गया है, यानी यहाँ ट्रांसपेरेंस हो गया है पूरा। हटाना हो तो सिंपल क्लिक करके यहाँ थिएटर परसेंटेज को जीरो कर देंगे, हम इसे ट्रांसपेरेंसी ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा। नेक्स्ट है कि कलर को हम लोग एक तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मीन्स अगर रोटेट वगैरह करना हो, घुमाना हो, स्केलिंग करना हो, तो कलर यहाँ से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और हालांकि आप यहाँ से क्लिक करके भी देखिए इस तरह से माउस के लेफ्ट उनको दबाकर आप जैसे चाहेंगे उसको घुमा सकते हैं, इसलिए यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक्चुअली इसे हम लोग लीनियर कहते हैं, ये कलर का लीनियर टाइप कहलाता है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए होता है ब्लेंड ट्रांजिशंस, जिसमें टाइप यहाँ चार शो कर रहा है, लीनियर, फाउंटेन और एलिप्टिकल। इसे हम लोग रेडिकल भी कहते हैं, ये कॉनिकल भी कहलाता है, और कॉनिकल लिखा हुआ भी ठीक है, चलिए ये रेक्टेंगुलर कहलाता है। तो ये चार तरह के टाइप्स हैं जिससे आप कलर का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जिसे रेडियल करने पर ये गोलाकार जैसा कलर को बना देता है, कलर वही रहेंगे लेकिन स्टाइल उसका जो रहेगा शो अप करने का वो अलग हो जाएगा, अलग टाइप का हो जाएगा। कॉनिकल मोड में भी आप कर सकते हैं, या रेक्टेंगुलर मोड में भी आप कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है ये कलर का मोड, कलर वही है लेकिन स्टाइल क्या हो जाता है चेंज। और मिरर रिपीट एंड रिवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये देखिए, और यहाँ से ओके प्रेस कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से हम लोग कलर को यहाँ ऐड करते हैं और अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं, उसका टाइप बदल सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। ये देखिए पकड़ कर आप किसी भी जगह पर इसको रख सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ से भी एक्सिस को बढ़ाकर कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इतना मेंटेन करने से अच्छा है कि आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ डायरेक्ट शेड कर लें। ये रेडियल चाहिए आपको लेकिन किस को ना, अगर इस जगह पर चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ चाहिए मुझे तो यहाँ क्लिक कीजिए,
बस सेम लोकेशन के हिसाब से यहाँ से हम लोग चुनेंगे। कॉनिकल चाहिए तो कॉनिकल देखिए इस जगह पर बन रहा है, तो हम बीच में चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे, देखिए ये बीच में ऑटोमेटिक आ गया। साइड में चाहिए, कहाँ चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर किस जगह पर आपको बनाना है, सेंटर पॉइंट, लेफ्ट राइट, जो भी है, इस हिसाब से हम लोग कलर को जोड़ते हैं और उसके टैक्स को बदलते हैं स्टाइल को। अगर कलर को रिमूव करना है यहाँ से, ग्रेडियंट बटन को रिमूव करना है, तो बस उसमें आप डबल क्लिक करते हैं। जैसे मुझे इसको रिमूव करना है येलो को, तो डबल क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो बटन डिलीट हो गया। इसे डबल क्लिक कीजिएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। इसे डिलीट कीजिए, ये भी डिलीट हो जाएगा। ऐड करना है डबल क्लिक। यहाँ से आप मिला सकते हैं कि किसकी मात्रा ज़्यादा हो, जैसे रेड की मात्रा मैं ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, तो इसको इधर करिए, तो अभी इसके देखिए बढ़ गया लाइन। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, क्लिक करके यहाँ से सिंपली आप कलर को बदल सकते हैं। तो ये था हम लोगों का फाउंटेन, और यहाँ से हम लोग ओके प्रेस करेंगे। थैंक यू।